प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहला का दूसरा प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ है 196 और 38,220। तो चलिए दोस्तों इसे हम हल करते हैं। तो लिखेंगे 38,220 बड़ा है 196 से। दोस्तों ये बड़ा है, तो जो बड़ा होता है ये पहला, उसे हम लोग ए मान लेते हैं। तो ए बराबर मान लेंगे 38,220 और यहाँ पर बी मान लेंगे 196 को। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। का प्रयोग करने पर तो यहाँ पर है ए बराबर बी क्यूब धन आर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जीरो जो होता है वो आर के बराबर होता है, या फिर आर जीरो से बड़ा होगा और इससे बड़ा बी होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इसका वैल्यू रखते हैं, ए की जगह पर 38,220 बराबर बी की जगह पर 196। यहाँ पर क्यू का मान हमको निकालना है, तो हमको भाग देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम भाग देके दिखा रहे हैं, 196 का 38,220 में, तो 96 का एक बार जाएगा और घटा देंगे तो आ जाएगा 186, ये दो उतार देंगे। और उसके बाद 196 का 9 बार लेके जाएंगे, यहाँ पर 1764 आ जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 98 और ये जीरो उतार देंगे। उसके बाद हम 5 बार लेके जाएंगे, तो 5 6 30 का 0 3 हासिल, 5 9 45, 45 3 48 का 8 4 हासिल, 5 1 5 अब 5 4 9, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये पता है कि आप लोगों को ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है और ये आर होता है। तो इसका मान, इन सब का मान हम इसमें रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए का मान और बी का मान तो रख दिए, बस क्यू का मान हम जो निकाले हैं 195, तो लिख देंगे 195 धन। उसके बाद यहाँ पर आर का मान 0 आया है, वो भी रख देंगे, तो लिखेंगे 0। जब शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, जिससे वो भाग देने पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 196 और 38,220 का HCF बराबर 100, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। बाय।